बहुत बकवास है बहुत। इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी का एक ऐसा कॉलेज, बिल्डिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। सीबीटी ने जो जबरदस्ती दे दिया। तो निकल पड़ा हूँ आज इस कॉलेज के बारे में और जानने के लिए। तो आज हम पहुंच गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज के आगे और हम बच्चों से जानेंगे कि उनको अपना कॉलेज कितना अच्छा लगता है। ड्रीम कॉलेज क्या है? ड्रीम कॉलेज कौन सा? मेरा SRCC था और सेंट स्टीफन, इन दोनों में से कोई था और मुझे मिला भगिनी निवेदिता कॉलेज। और आपका? मुझे हिंदू चाहिए था, मतलब मुझे ऐसे कुछ कॉलेज का था नहीं, इट्स अबाउट DU की डिग्री मिल जाए ना पे। ये आपका ड्रीम कॉलेज था क्या? या अभी आपकी कोई बिल्कुल नहीं। कॉलेज कौन सा है? एक्चुअली मुझे चाहिए तो गर्ल्स था बट नॉट दिस वन, बट वही CU8 में जो मिला वही ले लिया। CU8 ने जो जबरदस्ती दे दिया। वैसे ड्रीम कॉलेज है कौन सा? ड्रीम कॉलेज कौन सा? ड्रीम कॉलेज बेसिकली इट्स DU, बट DU का कॉलेज लाइक नॉर्थ कैंपस वी हैव सेक्टर, बट हिंदू कॉलेज मिरांडा। हाँ, किरोड़ी में। ड्रीम कॉलेज तो मिरांडा था पर प्रेफरेंस रॉन्ग भरने के चक्कर में ये कॉलेज मिल गया। मुझे मिरांडा हाउस मिला था बट वो होती है ना हिंदी ऑनर्स मिले थे, मुझे हिंदी ऑनर्स नहीं चाहिए थे, पोल साइंस ऑनर्स ही चाहिए। हाँ, मेरे को खालसा कॉलेज में जाना। ड्रीम कॉलेज है जिसमें आप जाना चाहते थे पहले? हंसराज, शहीद भगत, नॉर्थ कैंपस का मिल जाए, दौलत राम। कौन सा ये चल रहा है? मेरा सेकंड। मेरा भी सेकंड चल रहा है। कोर्स आप ये अपना ड्रीम कोर्स कर रहे हो एक तरह से, फेवरेट या फिर एक बंधन में हो? मेरे को इंग्लिश ऑनर्स चाहिए था जो कि मिला नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्क्स नहीं आए थे मेरे उतने और ये हम मजबूरी में कर रहे हैं। मेरा पोल साइंस और NHE, अगर मुझे पोल साइंस और सोशियोलॉजी मिल जाता तो बेटर होता। बेस्ट थी मेरी स्कूल लाइफ, लाइक हम लोग पहले सोचते थे कि स्कूल से निकलेंगे कॉलेज जाएंगे, कॉलेज की बहुत सारी ड्रीम्स थी, कॉलेज की ड्रीम्स बिल्कुल ही फ्लैश हो गई और अब याद आता है कि हाँ स्कूल बहुत बेस्ट था। स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी रही है, आप कैसी रही? स्कूल तो बेस्ट था। कौन सा कोर्स कर रहे हो? मैं BA पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, मैं इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स। अभी किस ईयर में हो? प्रोग्राम मिल रही थी तो प्रोग्राम नहीं चाहिए था, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ही चाहिए था। पास आउट। तो आप अभी किस ईयर में हो? फर्स्ट ईयर। आप कौन सा कोर्स कर रहे हो फिलहाल? हमारा तो BA प्रोग्राम है, हिस्ट्री प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपका? हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस। तो ये कॉलेज कैसा, आपको यहाँ पे कैसा अच्छा लगा या किस तरह का आप रिव्यू है कॉलेज के लिए? सही है, बस बिल्डिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बाकी टीचर्स अच्छे हैं, सब सही है। स्कूल लाइफ कैसी गई? स्कूल लाइफ ठीक थी। कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर से आप खुश थे या ना? बहुत बकवास है बहुत। अरे साउथ कैंपस के भी आसपास नहीं है यहाँ पे, तो यार देखा यार हरियाली थी है, अलग देख दिल्ली से। आप PG में रहते हो? एवरेज टाइम कितना लग जाता है आपको अपने घर से यहाँ आने? घंटे। फर्स्ट ईयर में तो बहुत दिक्कत थी, अब तो फिर भी ठीक हो गया काफी। आपके आपको क्या लगता है, आप कॉलेज की लोकेशन है वो कंपैरेटिवली दूसरे लोकेशन है जो कॉलेज की, कितना आपको लगता है ठीक है या गलत? अंदर जाकर हो जाते हैं तो थोड़ा सा बाहर होना चाहिए ना, तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। कैंटीन अच्छी नहीं है, वॉशरूम अच्छे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, बेंचेस ठीक नहीं है, टीचर्स अच्छे हैं। टीचर्स अच्छे हैं, कैंटीन वॉशरूम बेंच टीचर्स अच्छे हैं और साफ सफाई भी नहीं होती। कैमरा चलते हैं? नहीं। अरे मेरे थर्ड ईयर के एग्जाम से जब मेरा पर्स में से पैसे चोरी हो गए, पूरे के पूरे 3,000 थे सारे निकल गए, बहुत भारी नुकसान हो गया। कोई आसपास हैंगआउट स्पॉट आपको कौन सी लगती है? कोई आसपास का जाके होता है तो इसलिए। फिर आपके हिसाब से कोई इस कॉलेज में एडमिशन लेना एक रेग्रेट था या आपको बेटर ऑप्शन मिल सकता था आपको? नहीं, रेग्रेट नहीं है, अच्छा ही है। फिर भी बेटर है, अगर मैं अपने लोकल उधर अकॉर्डिंगली लेती तो उससे तो बेटर ही है। यहाँ टीचर भी अच्छे, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और मैनेजमेंट का तो कुछ ही है। तो आप ये बता सकते हो आसपास का जो आपका कॉलेज के आसपास कोई हैंगआउट स्पॉट है कोई अच्छा सा? नॉट स्पॉट के नाम पे बस ये एक कैफे है और बात एक ही एडवांटेज है कि यहाँ पे बस डिपो है और कुछ नहीं है, मतलब बहुत सुनसान एरिया है, मतलब सेफ एंड प्लेस नहीं है। तो आसपास कोई आपको लगता है कोई PG है अच्छा, कोई PG है अवेलेबल? एक ही PG था जो कि अच्छा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है अंदर का खंडर, हॉन्टेड प्लेस लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बस यहाँ कुछ टीचर्स हैं, फैकल्टी थोड़ी अच्छी है। क्लासेस वगैरह का किस तरह का आपको लगता है? ओनर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, मतलब लाइक नॉर्मल भी नहीं है, इससे अच्छे स्कूल्स थे हमारे। अंदर हॉस्टल है? नहीं, हॉस्टल्स नहीं। तो यहाँ पे किस तरह से विराजमान हो गए?
प्रेफरेंस मिस्टेक लाइक हमें पता नहीं था कि मतलब ये ऐसा कॉलेज है, हमने उतनी मतलब सर्वे किया नहीं कि मतलब कैसा कॉलेज है, बस प्रेफरेंस आया फर्स्ट टाइम लाइक था हमारा तो उतना समझ नहीं आया। तो क्लासेस में बच्चे आते हैं उनकी स्ट्रेंथ्स वगैरह नॉर्मल आ रही है, काफी बंदे तो स्ट्रेंथ अच्छी होती है लेकिन क्लासेस बहुत कम लगते हैं हमारे। अंदर कुछ इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ऐसा कुछ सेक्शंस वगैरह दे रखे हैं या ओनली बस नॉर्मल है, बस एनसीसी है, एनएसएस, एनएसओ, बस फेस्ट वगैरह फेस्ट होते ही नहीं है, हुए ही नहीं है, होते ही नहीं है, नहीं आज तक हुए हैं या पहले बंद हो गए थे? आई डोंट नो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। आपने अपने सीनियर्स से कभी सुना हो? प्रीव्यू उनका भी बहुत बुरा रहा है इस कॉलेज का। आपने इस एडमिशन लेने से पहले किसी से पूछा था कि इस कॉलेज के बारे में? फिर तो हम आते ही नहीं ना यहाँ। ये कैफे जो आपका जो नियरेस्ट कैफे है फास्ट फूड कौन है तो उसका कैसा आपको लगता है? ये बेस्ट है, बेस्ट है ये, रेट वाइज भी और टेस्ट वाइज। हाँ, दोनों। पुलिस से आगे आए तो हमें देखने को मिला कैर बस डिपो जो कि दिल्ली का आखिरी बस डिपो है। यहाँ पे आपको दो दो मिनट में बस मिल जाएगी। उसके अपोजिट में हमें मिल जाता है फास्ट फूड कॉर्नर और अभी तक का जो रिव्यू लिया है सबसे अच्छे मोमोज यहाँ पे मिलते हैं।